लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री से। अब केमिस्ट्री जब लोग सुनते हैं अक्सर स्टूडेंट समझते हैं दैट स्टडीज अबाउट केमिकल व्हिच इज ट्रू, लेकिन स्पेसिफिकली जो केमिस्ट्री है वो स्टडी कर रहा होता है मैटर को, उसके स्ट्रक्चर को, कि उसका शेप कैसा है, उसकी कॉम्पोजिशन को यानी कि उसकी बनावट कैसी है, और उसकी प्रॉपर्टीज को यानी कि उसके अंदर क्या खसूसियात हैं, क्या खामियां हैं, किस काम में आ सकता है। ये तमाम चीज़ें हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं केमिस्ट्री के अंदर। दुनिया की तमाम चीज़ें मैटर से बने हुए होते हैं और मैटर एटम से बने हुए होते हैं। सो एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। एटम के अरेंजमेंट जो साइंटिफिकली किया गया है उसको पीरियोडिक टेबल कहते हैं, जो उनकी प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर अरेंज किए गए हैं। उन्हीं प्रॉपर्टीज को मद्देनजर रखते हुए जो एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं वो केमिकल कंपाउंड्स तैयार करते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ एटम्स दैट केमिकली कंबाइन टुगेदर फॉर्म केमिकल कंपाउंड्स। वो केमिकल कंपाउंड्स हम लोग केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं, चाहे वो हमारे डीएनए के मौजूद हो या फिर वो हमारे खाने में लाइक प्रोटीन्स के अंदर मौजूद हो, उन तमाम चीज़ों को हम केमिस्ट्री के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं। अब जिस प्रोसेस से एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं न्यू सब्सटेंस तैयार करने के लिए, उस प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस हैव फोर मेन टाइप्स, सिंथेसिस, डिकम्पोजिशन, सिंगल रिप्लेसमेंट एंड डबल रिप्लेसमेंट। केमिस्ट्री दुनिया भर के काफ़ी सारी जगहों पर यूज होता है, लाइक केमिस्ट्री की पहली इन्वेंशन इस फायर, उसके बाद ग्लास बना, उसके बाद मेटल्स आया, फिर फर्टिलाइजर्स आए, फिर हमारे पास प्लास्टिक्स आए, इवन यहाँ तक काफ़ी सारे मेडिसिन जो हैं बल्कि तमाम मेडिसिन केमिस्ट्री की वजह से हमें मिले हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री गोज ऑन फ्रॉम अ सिंगल एटम टू द सेल्स दैट कीप अस अलाइव। दैट इज हाउ इम्पोर्टेंट the study of chemistry is.